क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं युवा काफी इकट्ठे हुए हैं। जैसे गायकवाड़ साहब ने कहा कि सरकार जो है वो ये तो बिल्कुल सही बात है। जब सरकार आती है तब इन्हें राम मंदिर याद आता है, जब इलेक्शन आते हैं तब इनको राम मंदिर याद आता है, जब इलेक्शन आते हैं इनको दाऊद इब्राहिम याद आता है, जब इलेक्शन आते हैं इनको हिंदू मुस्लिम याद आता है। बल्कि इलेक्शन न पाकिस्तान में हो रहे हैं न किसी और देश में हो रहे हैं, इलेक्शन इस मुल्क में हो रहे हैं और इस मुल्क के रहवासियों के लिए हो रहे हैं। तो इलेक्शन इस मुल्क के रहने वाले के मसलों पर होने चाहिए, इनकी जो ज़रूरतें हैं इनकी जो नीड्स है उस पर होने चाहिए। लेकिन आप जैसे आपने दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उन्होंने कहीं पर भी विकास का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहीं पर भी नीतियों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी तरीके से इलेक्शन की रणनीति जाहिर की कि ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा जाएगा, ये इलेक्शन कब्रस्तान या फिर शमशान के नाम पे लड़ा जाएगा, ये इलेक्शन मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ा जाएगा। यानी ये भाजपा वालों की हमेशा से रणनीति रही है। हमारा कहना ये है कि भाई हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का मसला क्या है वो हम बैठ के देख लेंगे, आप बताओ कि स्कूलों का क्या किया, कॉलेजों का क्या किया, महाविद्यालयों का क्या किया, हाँ GST की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए क्या किया, हाँ नोटबंदी की वजह से जो सैकड़ों लोग मर गए उनकी भरपाई के लिए आपने क्या किया। हमारे विषय ये है, इसलिए मैं आपके मीडिया के मित्रों से भी खासतौर पर कहना चाहूँगा कि आप जो मूल्य आंसर है, जो मूल्य सवालात है, जो इम्पोर्टेंट सवालात है उस पर आप ज़रा ध्यान दें, वो ज़रा ये सवाल पूछने का वक्त है, मीडिया के भी सवाल पूछने का वक्त है। मीडिया को पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से और सरकार से कि जो इतने सारे विषय है आप इन सब को छोड़कर हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रस्तान मस्जिद मंदिर इस पर क्यों जाते हैं। आप विषयों पर आइए, विषयों पर बात कीजिए। इस वक्त मुल्क जो है बहुत बुरी स्थिति में है, जैसे कि मैंने अपने भी भाषण में यहाँ पर अभी कहा, आपने अभी सुना होगा कि हमारे पास में बड़े बड़े मसले हैं। जितने बड़े मसले, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, 10 साल मनमोहन जी सरकार में रहे, 10 साल में मनमोहन जी कितनी बार पाकिस्तान गए, और मोदी जी बताए कि 10 साल में मोदी जी कितनी बार पाकिस्तान गए, उसमें से जितनी बार पाकिस्तान गए उसमें से एक बार तो बिन बुलाए मेहमान बनकर चले गए। हाँ, पाकिस्तान के बारे में जितना कठोर निर्णय, कितने कठोर फैसले कांग्रेस की सरकार ने लिए आज तक किसी ने नहीं लिए। मोदी जी पाकिस्तान को गाली दे दे के सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, और फिर अपनी शपथ विधि में सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मेहमान बुलाकर, अतिथि बनाकर, मुख्य अतिथि बुलाकर यहाँ पर बुलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक राजनीति है, लोगों को इसको समझना होगा और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करना होगा। और आने वाली 29 तारीख को जनता ये करने जा रही है, इसी युवा का जोश और आक्रोश आप यहाँ पर देख रहे हैं। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।